प्रधानमंत्री जी, अंत में दो सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो फर्स्ट टाइम वोटर्स, पहले बार जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और दूसरा, जो ईमानदार मध्यम वर्गीय करदाता है, ऑनेस्ट मिडिल क्लास टैक्स पेयर, मिलियंस आर देयर, तो उनके लिए वो क्या उम्मीद कर सकते हैं मोदी 3.0? देखिए, मैं जो विकसित भारत की बात करता हूँ उसके साथ साइमेंटेनियस किसका भविष्य जुड़ा हुआ है। जो आज 20 साल का 22 साल का है वो 2047 में है, उसकी पूर्ण जिंदगी का एक कालखंड है एक प्रकार से, तब वो 40 45 50 का होगा। मतलब ये भारत के विकसित भारत बनने की प्रक्रिया और उसकी जिंदगी की प्रक्रिया दोनों साथ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके साथ। ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आज का जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 2047 का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है। ये बात मैं उसको समझा रहा हूं कि भाई मैं तेरा भविष्य बना रहा हूं, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, और मैं क्या मानता हूं कि वो जुड़ेगा। दूसरा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो परंपरागत चीजों से बाहर आना चाहता है। अब आप देखिए, विपक्ष का घोषणा पत्र पूरी तरह इकोनॉमी को फेल करने वाला घोषणा पत्र है। एक प्रकार से विपक्ष का घोषणा पत्र देश के जो फर्स्ट टाइम वोटर है या पिछले जिनकी उम्र 25 से कम है उनके भविष्य को रौंदने वाला उनका मैनिफेस्टो के इकोनॉमिक प्रोग्राम है। वो तो खटाखट 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 पैसे देने वाला। मैं उनको क्या करना है पूरा अगर एनालिसिस करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये जो देश के 25 साल की उम्र से कम उम्र वाले लोग हैं उनके भविष्य को रौंदने वाला एक उनका इकोनॉमिक प्रोग्राम है जी, बर्बाद हो जाएगा। मुझे उनकी जिंदगी बनानी है, मैं देश में इनोवेशन को बल देना चाहता हूँ। देखिए, देश में जो पैटर्न इन दिनों रजिस्ट्री हुई, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है पैटर्न के, तो यंग जनरेशन को लगता है हाँ हमारी जिंदगी बढ़ रही है। आज डेटा मेरे देश का इतना सस्ता है, मैं जानता हूँ मेरे देश को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, लेकिन सस्ता डेटा का परिणाम है कि मैं देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने में मेरे नौजवानों को मैंने ताकत दी है। आज वो दुनिया, मुझे अभी गेमिंग वाले बच्चे मिले थे, वो कहते थे साहब दुनिया के देश में हम खेलने के लिए जाते हैं वहाँ डेटा इतना महंगा है, बोले हम 50 बार सोचते हैं हम भारत के अंदर इतना हमारे लिए अवसर है, इतना सस्ता डेटा है तो हिम्मत कर रहे हैं। एजुकेशन में आज डेटा सस्ता होने के कारण उसको कितनी फायदा हो रहा है जी, लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग, हाँ हर चीज में, टेलीमेडिसिन में, ये जो हमने इन चीजों पर कंट्रोल करके रखा है इसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। और जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए जो, देखिए जहां तक टैक्स पेयर है, सचमुच में टैक्स पेयर का सम्मान होना चाहिए, टैक्स पेयर का गौरव होना चाहिए। आए दिन रास्ते चलते हर टैक्स पेयर को गाली देते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा जी, ये मैं समझ नहीं आता हूँ ये किस सोच का परिणाम है। देखिए क्या बदलाव आया है, मैं टैक्स पेयर की बात करूँ, पिछले 10 वर्ष में ITR फाइल करने वालों की संख्या 2 गुने से अधिक हो गई। पहले 4 करोड़ से भी कम लोग ITR फाइल करते थे, आज 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं। टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, मतलब पहले जो नेट टैक्स कलेक्शन होता था वो 11 लाख करोड़ रुपये होता था, आज नेट टैक्स कलेक्शन 34 लाख करोड़ रुपये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है ना वो सही जगह पे उपयोग हो रहा है, विकास के काम, चोरी लूटफाट में नहीं आया, इसलिए वो विश्वास के कारण देने के लिए आगे आया है। दूसरा, 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स हमने माफ कर दिया है, जो पहले 2-2.5 लाख पर अटका हुआ था, 7 लाख रुपये कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर भी मेरे यहाँ टैक्स बढ़ रहा है। यानी, और इसलिए मैं मानता हूँ
मैं तो हर टैक्स पेयर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें टैक्स पेयर जो धन देता है उसी से होने वाला है। और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं पर बोझ कम होना चाहिए, इस मूलभूत फिलॉसफी की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे, और मैं तो करदाताओं से एक प्रार्थना भी करूँगा कि देश के खातिर, विकसित भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है, मैं उनको कहूँगा कि आप कम से कम 3 लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनको प्रेरित करो कि वो टैक्स देना शुरू करें। हर टैक्स पेयर सिर्फ 3 लोगों को प्रेरित करें। और मैं उनको समझाता हूँ, जब मैं गरीब का घर बनाता हूँ उसमें जो ईंट लगती है ना, किसी न किसी टैक्स पेयर की ईंट है वो, उसका जो पुण्य है ना, वो जो परिवार उसमें रहता है, जो पुण्य संतोष व्यक्त करता है, उसका पुण्य उस टैक्स पेयर को जाता है। किसी गरीब को मैं जब मुफ्त राशन देता हूँ, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है ना, तब वो कोई टैक्स पेयर सोचे कि हाश मैंने टैक्स दिया था, वो भूखा बच्चा खाना खा रहा है, उसको टैक्स देने का आनंद आएगा। और इसलिए मैं टैक्स पेयर का धन जन कल्याण के काम, इनको कोरिलेट कर करके ही चलना चाहता हूँ, ताकि देने वाले को संतोष हो कि मेरे पैसों से ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गरीब के घर की थाली है ना, उसका संतोष का जो पुण्य है ना, उसका हकदार कोई है तो देश का टैक्स पेयर है। मोदी जी, चुनाव के दौरान आपने वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे देशवासियों से, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम वोट कीजिए। मैं उनको कोई राजनीतिक वोट के लिए नहीं कह रहा, देश के नाम वोट कीजिए, खुद का आने वाला 25 साल के भविष्य के लिए वोट करें, ये मैं उनसे आग्रह करूँगा। दूसरा, मैं देशवासियों का कहूँगा, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी कहना चाहूँगा कि गर्मी बहुत है, धूप में सभी पार्टी के वर्कर दौड़ रहे हैं, मैं सभी पार्टी के वर्कर को कहूँगा बहुत पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए, दौड़िए बहुत दौड़िए लेकिन पानी बहुत पीजिए, ताकि इस धूप में, इस गर्मी में। मतदाताओं को भी कहूँगा, कितनी ही धूप क्यों ना हो, आप मतदान अवश्य करें, हो सके तो सुबह जल्दी जल्दी मतदान कीजिए, ये लोग और लोकतंत्र के उत्सव के रूप में इस चुनाव को मनाएं, यही मेरी प्रार्थना होगी देशवासियों को। अगली चुनाव सर्दियों में कीजिएगा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला। आपने सही मुद्दा उठाया, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है, हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं, और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं तो। जी, धन्यवाद मोदी। नमस्कार।